हेडमास्टर का बेटा, हिसाब का टीचर, गरीब, लुटा पिटा, सताया हुआ, क्या क्या है? मैं लिबरल हूं, मैं आ गया हूं, बता लिखना क्या क्या है। तो दोस्तों, कश्मीर में हिजबुल को सबसे बड़ा झटका लगा जब हराम रियाज नाइक को हलाल हो गया, और उसके बाद लगी एक रेस, रेस कि कौन कितना ज्यादा लिबरांडू है। लिबरांडुओं की इस रेस को देखने में एक अद्भुत अलौकिक मजा आपको आने वाला है। दावा करते हैं कि एनालिसिस में ऐसे फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, कल अचानक से 12-1 बजे के करीब कांच टूटने की आवाज आने लगी। कांच टूटने की आवाज सुनते ही मुझे लगा कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ रहा है, तो मैं बाहर निकल कर गया तो मुझे दिखाई दिया कि लिब्रांडो लगातार चूड़ियां तोड़ रहे हैं, और उसी की वो आवाज थी। उनको चूड़ियां तोड़ते हुए देखकर मुझे समझ में आ गया कि भैया आज कोई बड़ा टेररिस्ट मारा गया है। मैंने देखा तो पता चला कि टेररिस्टों का प्याज यानी कि रियाज मारा गया है। इसको टेररिस्टों का प्याज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भैया बड़ा महंगा था ससुरा, 12 लाख का तो इसके ऊपर इनाम ही था। अब इस न्यूज के बाद कौन बनेगा लिब्रांडो का फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका था और इसका केवल एक ही मकसद था कि इस टेररिस्ट को कुछ ऐसा दिखाया जाए जो समाज इसे एक्सेप्ट कर ले। और इस काम में सबसे आगे दिखाई दिया इंडिया टुडे ग्रुप। आज तक चैनल पर दिखाई दे रहा था कि ये जो हिजबुल का नेता है ये एक गणित का टीचर है। साथ ही साथ बताया जा रहा था कि इसको पेंटिंग का बड़ा शौक था, आर्टिस्ट यू नो। बस भैया, ये देखते ही दिल को तसल्ली मिल गई, चलो लिबरांडोइज्म अभी भी सेफ हाथों में है। अब भाई, इस रेस में इंडियन एक्सप्रेस कहां से पीछे रहने वाला था? वो इंडियन एक्सप्रेस जो याकूब मेमन के ट्रायल के बाद, उसके कन्विक्टेड टेररिज्म के प्रूव होने के बाद ये लिख देता है एंड दे हैंग्ड याकूब, तो भाई ये तो रियाज मरा था और रियाज का तो ट्रायल भी नहीं हुआ था, फैसला ऑन द स्पॉट हो गया था, तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस कैसे पीछे रह जाता? तो भाई, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा रियाज एक टेलर का बच्चा था। अब भाई, टेलर का बच्चा था तो ऐसा लिख के दिखाना चाहते थे कि रियाज एक गरीब आदमी का बेटा था जिसने मैथमेटिक्स की डिग्री ली और उसके बाद लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। बड़ा दान पुण्य करने वाला आदमी था भाई साहब, देख रहे हो, और बच्चों में ये बड़ा ही पॉपुलर था और वो बच्चे जो हैं वो इसे टीचर टीचर के नाम से याद करेंगे। ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए और पता ही नहीं चला कि कोई टेररिस्ट मरा है या कोई रेवोल्यूशनरी। अब भाई, ऐसे में द वायर भी कहां ही पीछे रहता है। तो द वायर ने अभी, जिसने 4-5 दिन पहले ये लिखा था कि इंडियन आर्मी के 5 जवानों को मार दिया गया है, किल कर दिया गया है अलेजेड टेररिस्टों के द्वारा, उनको टेररिस्ट टेररिस्ट ही नहीं लगते, वो तो अलेजेड हो जाते हैं, और भारतीय सेना के जो जवान हैं वो मार्टर नहीं होते, वो मार दिए जाते हैं। तो भाई, द वायर ने रियाज के लिए एक पूरा आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल को हमने शुरू से अंत तक, फुल स्टॉप कॉमा सबको पढ़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लिए, मगर हमें पूरे आर्टिकल में टेररिस्ट नाम का एक शब्द मिला ही नहीं। मतलब आप बात समझ रहे हो, एक टेररिस्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा मगर उस पूरे आर्टिकल में टेररिस्ट ही नहीं लिखा गया, यानी कि टिंडे की सब्जी बनाई गई मगर टिंडे का प्रयोग ही नहीं किया गया। और हफ पोस्ट भाई साहब, आहा, जबरदस्त, मतलब इनको देख के मुझे लग गया कि लिबरांडोइज्म जो है वो कतई सेफ है, वो इससे ज्यादा अंतहीन चीज कुछ हो ही नहीं सकती। इन्होंने 2018 में ही लिख दिया था कि रियाज नाइक मैथ का टीचर है, मतलब कंपटीशन का कोई मौका ही मत दो, 8वीं कक्षा में ही मेडिकल की तैयारी कर लो। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से टेररिस्ट को ह्यूमनाइज किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार, अब हर बार इसी तरीके से ह्यूमनाइज किया जाता रहा है। अब इन केसेस पे ध्यान देने से पहले हम कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं, और ये तथ्य दावा करता हूं कि ऐसे होंगे जो लिबरांडुओं को अंदर से फूंक देंगे। लिबरांडु अभी तो भैया हल्ला मचा रहे हैं ये कि ये मैथ टीचर था, मैथ टीचर था, मगर रोज खुद ही हल्ला मचाते हैं ये कि एजुकेशन ही हल है टेरर का। मलाला ने कहा था कि भाई आप बंदूक से टेररिस्ट को मार सकते हो लेकिन एजुकेशन से आप टेरर को ही मार सकते हो। और इसके अलावा अगर आप गूगल करोगे तो हजारों की संख्या में आपको आर्टिकल ये मिल जाएंगे कि भाई एजुकेशन से ही टेररिस्ट को या टेरर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन भाई NBER यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का कहना है, उनकी रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि ना तो पॉवर्टी का टेररिज्म से कुछ लेना देना है
और ना ही एजुकेशन का। ISIS का एक डेटा लीक हुआ जिसमें उसके 22,000 लोगों की इंफॉर्मेशन थी। अब इस डेटा को वर्ल्ड बैंक ने स्टडी किया, उसके स्टडी में पता चला कि भाई आईसिस के जितने भी रिक्रूटेड लोग हैं उनमें सारे के सारे एजुकेटेड लोग हैं, ना एजुकेशन का इससे कोई लेना देना है और ना पॉवर्टी से टेररिज्म का कोई लेना देना है, बल्कि आईसिस तो एजुकेटेड लोगों को ही प्रेफरेंस देता है कि आइए ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों लिबरांडो को अंदर से जलाने के लिए एक बात और बता दें कि होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह ने एक आदेश दिया था कि भाई इस तरीके से जो टेररिस्ट एनकाउंटर में मारा जाए उसकी बॉडी को उसके घर वालों को ना सौंपा जाए, क्योंकि बुरहान वानी को जब मारा गया था या फिर राकिर मूसा को जब मारा गया था तो इनको जब दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो एक हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। अब दोस्तों वापस आते हैं लिबरांडोइज्म पर और देखते हैं कि किस प्रकार से हर बार ही लिबरांडो ने टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करने की कोशिश की है। तो दोस्तों रियाज से पहले जन्नत दी गई थी जाकिर मूसा को और जाकिर मूसा के बारे में न्यूज 18 ने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल बड़ा ही शानदार था, उसको पढ़ने पर पता चला कि भाई जाकिर मूसा का जो बाप था यानी कि बड़ा मूसा जो था वो एक इंजीनियर था, उसके पास बहुत पैसा था और जाकिर मूसा बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीता था, उसको स्पोर्ट्स बाइक का बड़ा शौक था, सुट्टा में वो मारता था और ये बिल्कुल एक करण जौहर की फिल्म के हीरो के जैसा लग रहा था। न्यूज 18 ने ये बताने में कतई कसर नहीं छोड़ी कि कितना हैंडसम था जाकिर मूसा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्यों जाकिर मूसा इतना हैंडसम लड़का टेररिस्ट बन गया। उन्होंने बताया कि भाई जाकिर मूसा को एक दिन पुलिस ने थप्पड़ मार दिया और उसको फ्रेम कर दिया गलत पत्थरबाजी के चार्ज में। उसके बाद जाकिर मूसा ने ठान लिया कि अब तो मैं शस्त्र उठाऊंगा और टेररिस्ट बनूंगा। मतलब भाई साहब इतना रोमांटिसिज्म कि जाकिर मूसा कम अजय देवगन ज्यादा लगे दिल जलेगा। जाकिर मूसा से पहले मारा गया था बुरहान वानी और बुरहान वानी के बारे में आपको पता ही होगा कि बरखा के हिसाब से ये गरीब हेडमास्टर का बेटा था और राजदीप सरदेसाई ने तो इन्हें भगत सिंह से ही कंपेयर कर दिया था। अब भाई इसके बाद बात करते हैं आदिल दर की। आदिल दर कौन भाई? जिसने पुलवामा टेरर अटैक किया था। तो इंडिया टुडे अपना लिबरांडो धर्म निभाते हुए लिखता है कि भाई आदिल दर इसलिए टेररिस्ट बना क्योंकि इंडियन ट्रूप्स ने इसको बहुत मारा था। साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स भी आ जाता है अपना लिबरांडो धर्म निभाने के लिए। द क्विंट ने लादेन की ऐसी साइड दिखाई थी जो साइड आपने देखी ही ना हो, एक फादर और एक हस्बैंड वाली साइड। अब भाई 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट होता है, मुख्य आरोपी होता है दाऊद इब्राहिम और 15 दिन के अंदर अंदर राजदीप सरदेसाई टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक आर्टिकल लिख देता है। उस आर्टिकल में कहीं पर भी दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट नहीं बोला जाता है और पूरे आर्टिकल में लिखा जाता है हिंदू उग्रवाद की वजह से ऐसा हो गया, हिंदू उग्रवाद की वजह से वैसा हो गया। 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स के लिए राजदीप सरदेसाई दूसरा आर्टिकल लिखता है और इसमें कहता है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स को गिफ्ट देता है, मैच देखते वक्त तिरंगा लहराता है और वो तो बाबरी मस्जिद हो गया, अदरवाइज ये टेररिस्ट थोड़ी बनता। मगर ये कभी नहीं बताया जाता कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, उनके हजारों मंदिर तोड़े गए मगर फिर भी वो टेररिस्ट नहीं बने। और दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि रोमांटिसिज्म आतंकवाद का केवल भारत में होता है तो आप बिल्कुल गलत है, विदेशों में तो और भयंकर तरीके से इस चीज को किया जाता है। डेली मिरर के हिसाब से उस्मान जिसने लंदन टेरर अटैक किया था वो टेररिस्ट केवल इसलिए बना क्योंकि उसको स्कूल में बुली किया गया था। मतलब केजी में किसी को बुली कर दिया गया हो या केजी में किसी का पैंट में सुसु निकल गया हो तो वो बाद में बड़ा होकर टेररिस्ट बन जाएगा। वहीं फिलिस्तीन के बरकोटी को न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ ऐसे दिखाता है मानो वो मर्डरर या फिर कोई सुसाइड बॉम्बर ना हो, वो तो कोई नेल्सन मंडेला हो। अब भाई टेररिज्म की बात चल रही है और साथ ही साथ बात चल रही है रोमांटिसिज्म की, तो NDTV वाले तो पुलवामा टेरर अटैक के बाद हाउस द जैश पूछ लेते हैं लोगों से। उसामा बिन लादेन की डॉल पाई जाती है NDTV के पत्रकार के डेस्क पर और रवीश कुमार उसे डिफेंड करने चले आते हैं। पहले कहते हैं कि ये तो उसामा बिन लादेन है ये ही नहीं। उसके बाद जब जर्नलिस्ट खुद मान लेता है कि ये उसामा बिन लादेन है तो कहते हैं तो क्या हो गया, उसामा बिन लादेन है तो। इशरत जहां के एनकाउंटर को फेक बता देते हैं, सोनिया गांधी रोने लगती है बाटला हाउस एनकाउंटर पे। तो भैया ये तो जन्मों जन्मांतर से ऐसा ही चलता आ रहा है लिबरांडो के यहाँ पे। और अब रियाज के जाने के बाद इनका मातम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज रियाज गया है कल कोई और जाएगा, ये बात 100% है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इनका मातम इसी तरीके से मनता रहे और हमारी भारतीय आर्मी इसी तरीके से टेररिस्टों का सफाया करती रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon का लिंक आपको
पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिखेगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की दादा खबर। जय हिंद, जय भारत।